नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। क्या कहूँ, चलने नहीं दे रहे हैं। कल कह रहे थे कि इधर एंगल नहीं रखना, आज कहते इधर कदम नहीं रखना। कहते मैडम इतनी सी जगह, बैठ जाना, बैठ जाना फिर बात करना। हाँ, मुझे कहते नहीं इधर नहीं। मैंने कहा इतना तो चलूँ, बोले नहीं। मैंने कहा दे दो कदम पीछे एक कदम आगे तो चलूँ, बोले नहीं। देखिए जिंदगी भी तो ऐसे ही चलती है, दो कदम आगे फिर एक कदम पीछे, दो कदम आगे फिर किसी ने कहा नहीं नहीं ये वाला कदम इधर नहीं इधर चलना था, फिर हम पीछे। तो फिर जिंदगी अगर ऐसे चलती है तो क्यों चलती है? ये जो पीछे कदम और साइड में दाएं बाएं कदम जाते हैं, ये क्यों जाते हैं? जिंदगी दौड़ती भागती से क्यों नहीं चलती है? क्या हम अपने कदमों को यूं रोक लेते हैं? हा? या फिर हम किसी का इंतजार करते हैं? ये हमें शायद तेज चलने की आदत है, लेकिन हो सकता है जो साथ देने के लिए जुड़ा है उसे शायद धीरे धीरे चलने की आदत है। हो सकता है कि हमें बस यूं ही इधर उधर भागते दौड़ने की आदत है, लेकिन कहते हैं ना, जिसके साथ साथ लिखा है, हो सकता है कि उसे तो सब बात ऐसे आराम से बैठ करके करने की आदत है। हा? तो फिर हम किसकी आदत में अपनी आदतों को डालते हैं, या फिर उसकी आदत को हम अपनी आदत बना लेते हैं, या फिर उसको हम अपनी आदत डाल देते हैं? कौन होता है ऐसा जो एक दूजे की आदतों को समझते हुए एक दूजे का आदी हो जाता है, और फिर जिंदगी का आधा हिस्सा उसका, आधा हिस्सा उसका, और फिर जब आधा आधा मिलता है तो आप मुकम्मल होते हुए चले जाते हैं, और तब फिर जिंदगी का सफर यूं ही दो कदम पीछे एक कदम आगे। मुझे तो ये पसंद नहीं, मुझे ये पसंद नहीं, मुझे तो ये पसंद है, लेकिन फिर भी चलो तुम्हें पसंद है तो मैं रख लेता हूँ, मैं ऐसे ही चल लेता। लेकिन क्या वाकई हम अपनी जिंदगी में साथ जिसको अपनी जिंदगी का आधा मानते हैं, या फिर उसके साथ अपनी जिंदगी को मुकम्मल मानते हैं, क्या इतना आसानी से हम सब मान जाते हैं? मान जाते हैं क्या? कौन चलता है हमारे साथ जिंदगी में आधा आधा, एक स्टेप आपका एक स्टेप उसका, एक कदम आपका एक कदम उसका? कौन चलता है? हम सफर। जो आपका लाइफ पार्टनर बनता है वो चलता है, बाकी के कदम तो आप ऐसे ही चलते हैं। कभी माँ ने कहा ऐसे चलिए, कभी पापा ने कहा ऐसे चलिए, कभी दोस्तों ने कहा छोड़ो मम्मी पापा का रास्ता, अपने रास्ते चलिए। लेकिन जब आप हम सफर के साथ जुड़ते हैं तो फिर कैसे चलिए? लेकिन हम सफर के साथ जुड़ने से पहले क्यों ना ऐसे चलिए कि पहले हम सफर के कदमों की रफ्तार को थोड़ा सा देख लीजिए कि वो रफ्तार आपकी रफ्तार से मैच करेगी या नहीं करेगी। हाँ, कहीं मिस मैच तो नहीं हो जाएगा, और मिस मैच हो करके फिर कहीं कदम डगमगाते तो नहीं फिरेंगे? तो फिर आजकल अक्सर अपने ऑफिस की तो मैं बात कह सकती हूँ, कभी कभी देखती हूँ यंगस्टर्स को, यही कोई 25, 26, 29 इस एज के जो लोग, क्यों परेशान? नहीं, अरे भाई बताओ तो क्यों परेशान हो? बस वो घर वाले शादी के लिए बोल रहे, तो फिर कर लो, ऐसे कैसे कर ले? आसान है क्या शादी करना और पूरी जिंदगी निभाना? आसान है क्या? देखिए सबसे मुश्किल फैसला कि जो हमारे साथ कदम मिलाएगा उसकी रफ्तार से हम चलेंगे या फिर वो हमारी रफ्तार से चलेगा और जिंदगी का सफर निभाएगा। तो फिर मैंने सोचा
क्यों ना इस बात पर डिस्कशन ही हो जाए। किससे? मेरी आपसे। आज आप मुझसे मत डिस्कशन करना, आज मैं पहले उनसे डिस्कस करूंगी जिन्हें मैंने अपने स्टूडियो में बुलाया है। यंगस्टर्स, बैचलर्स, क्या चाहते हैं वो? उनके लिए शादी के मायने क्या हैं? उनके लिए लाइफ पार्टनर के मायने क्या हैं? और उस मायने को मीनिंग देने के लिए, उस मायने को पूरी तरह से शाइन करने के लिए, तो फिर हम आपसे उन यंगस्टर्स को मिलवाएंगे जो आजकल थोड़ी सी, मेरे स्टूडियो में तो थोड़े से कम ही आ पाए हैं, आप देखें ना आपके आसपास कितने सारे होंगे जो हमेशा जब भी माँ बात करती होगी, क्या कर ले हुन? 10 साल का 12 साल का कोई होता है, तेरी शादी पे तो हम ऐसे करेंगे, है ना? यही चलता रहता है। और शादी जश्न बनती है क्योंकि वो जिंदगी में किसी को लाने, किसी के साथ चलने का जश्न है। फिर हम कुछ यंगस्टर्स से यहाँ बात करेंगे, कुछ चेहरे आपके जाने पहचाने हैं, और अगर आप भी उनसे कुछ पूछना चाहें या फिर आप भी डिस्कशन में शामिल होना चाहें कि उनकी बात से आप कितने एग्री हैं, या फिर आपकी राय उनकी बात के साथ चलती है, या फिर आपकी राय कुछ अलग है, तो फिर मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। और सबसे पहले जो मेहमान है हमारे यहाँ, जो अक्सर कोई कोई तो इसमें होस्ट भी हुआ करते हैं, हाँ, तो उनसे आपको मिलवाऊंगी। हमारे साथ गौतम, आप जो लोग हिंदी देखते हैं, जस्ट हिंदी चैनल देखते हैं, उन वो इनके चेहरे से काफ़ी वाकिफ होंगे। अवंतिका यादव, राजेंद्र धीमान एंड मालविका सिंह। तो फिर आप सबके साथ मैं इनका वेलकम करती हूँ। ये वो यंगस्टर्स हैं जो इनके पेरेंट्स हर वक्त इनकी शादी के लिए इनके पीछे पड़े रहते हैं। Am I right? सबसे बड़ी मुश्किल इस वक्त यही है कि उन्हें इग्नोर कैसे किया जाए और कैसे उन्हें बोला जाए कि रुक जाओ, जिंदगी जीने दो। ये सवाल सबसे ज्यादा डराते हैं घर जाने में। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ गौतम जी, ये सवाल मेरे सबके लिए है, आपके लिए शादी के मायने क्या है? शादी के मायने बेसिकली वही है कि जिंदगी जो है वो पूरी बदल जाती है, जो अब तक हमने सुना है, क्योंकि हम एक्सपीरियंस्ड बंदे नहीं हैं, हम वही आपको बता सकते हैं जो अभी तक सुनी हुई कहानियां हैं। तो उस हिसाब से आपकी ज़िंदगी पूरी बदल जाती है, जिम्मेवारियां आ जाती हैं, और वो जिम्मेवारियां कैसी होती हैं वो अपने पेरेंट्स में, अपने जो दोस्त हैं उनकी शादियों में हम देखते हैं। और अगर हम सवाल उनसे ये कर लें कि कैसी ज़िंदगी चल रही है, तो एक ही जवाब आता है, भाई पूछ मत, शादी मत करवाइयो, भूल। मतलब कैसे हम शादी करवा सकते हैं जब हमारे दोस्त, जिगरी दोस्त शादी करवाने के बाद, शादी करने के बाद ये बोलते हैं कि भाई भूल से मत। उन्हें भी तो किसी ने कहा होगा कि शादी मत करवाइयो, फिर उन्होंने क्यों करवाई? एक वो डायलॉग नहीं है, शादी का लड्डू जो शादी खाए का वो right. भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो आप खा करके पछताना चाहते हैं या बिना खाए? वैसे हर चीज जो है जिंदगी में होनी चाहिए, सो क्यों ना खा के थोड़ा मतलब करनी भी है और बस ये दिखाना है, नहीं हमने नहीं शादी करनी, हाँ हम चाहते हैं कि बस बिल्कुल टेंशन फ्री लाइफ जिए। और चलिए पहले मैं आगे पूछती हूँ, नहीं तो वो फिर दिमाग में ना अपने आंसर बना लेंगे, अच्छा ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है। अवंतिका यादव जी, आपको क्या लगता है कि शादी आपके लिए क्या है? शादी मेरे लिए, मुझे लगता है कि मतलब शादी का मायने क्या, हाँ मायने क्या है, मुझे लगता है कि शादी एक एक सफ़र ही है, और उस सफ़र में कोई हम सफ़र साथ हो जो आपको समझे, तो बस उतना, और उसके अलावा तो क्योंकि ज़िंदगी तो वही है, ज़िंदगी का एक पड़ाव है नया, तो वो नई लाइफ जो है वो शुरू हो जाती है, अदरवाइज शादी तो ठीक है जो मतलब ऐसा ही क्वेश्चन है, मैं याद नहीं किया कुछ भी इसके बारे में। सीरियसली एक ऐसा ऐसा सवाल है जिस पे कोई रट्टा नहीं मार सकता, ना ऐसा सवाल है जिसे बोलते हैं अपने बारे में कुछ बताओ, तो अब शादी के मायने तो क्या है कि अगर हम अपने बारे में नहीं कुछ बता पाएंगे तो फिर हम कैसे किसी को अपने बारे में समझाएं, राइट, है ना? तो राजेंद्र जी, आपके लिए शादी उमर जी,
मेरे मायने नाल अगर शादी एक नवी लाइफ की शुरुआत है, तुसी अपनी लाइफ जो चल रही है रूटीन, मान लो एक सीधा ट्रैक चल रहा है तो थानू उस टर्न लेना पैना। जरूरी नहीं है कि जिस लाइफ जिस स्पीड नाल तुसी जा रहे हो तुसी उसी स्पीड नाल अगे चलते रहोगे, दूसरे के हिसाब नाल थानू स्लो भी होना पैना, स्पीड ब्रेकर्स आएंगे और फास्ट भी होना पैना। तो आप दूसरे के हिसाब से स्लो फास्ट में ज़्यादा कहते हैं कि बिलीव करते हैं, या फिर दूसरा आपके हिसाब से स्लो फास्ट रहे इसमें बिलीव करते हैं? वो तो जी अब दूसरे के ऊपर डिपेंड है, आप पे नहीं है। मैं तो अपना बता रहा हूँ जी कि मैं तो उसके हिसाब से स्लो फास्ट हो सकता हूँ। अच्छा, अब वो आपके हिसाब से कितना स्लो वो फास्ट कितना स्लो फास्ट है? अगर मेरे साथ कदम मिला के चलो अच्छी बात है, नहीं फिर मुझे तो एक स्टेप तो स्लो होना पड़ेगा जी। ओके, वेरी गुड, आई लाइक दिस। माल बेटा, आपके अकॉर्डिंग शादी? मेरे लिए शादी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि लड़की दूसरे घर में जाएगी उसके लिए बहुत चेंजेस आते हैं। अगर हस्बैंड साथ देगा तो वो चेंजेस उस चेंज को कोप अप कर सकती है, अगर हस्बैंड ही साथ नहीं देगा तो वो कर नहीं पाएगी। तो अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड वाइफ में होनी चाहिए, ताकि वो अगले घर में जा रही है तो उसको साथ मिलना चाहिए। उधर यहाँ अपने जो घर में होते हैं वो चेंजेस और होते हैं, वहाँ जाके कुछ और होते हैं। अगर हस्बैंड साथ देता है तो चेंजेस बहुत अंडरस्टैंडिंग और उस तरीके से आ जाती है, तो मेरे लिए वो चीज़ है। तो फिर अवंतिका, आप अकॉर्डिंग एक लाइफ पार्टनर की कहते हैं इमेजिनेशन, या फिर ये कहूँ कि प्लान्ड डेफिनेशन, जो लाइफ पार्टनर में मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, या मैंने मेरे को अपने अकॉर्डिंग जो चाहिए कि किस तरह से मेरे को लाइफ पार्टनर चाहिए, मुझे लगता है सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग जो है वो मेन है, कि अंडरस्टैंडिंग हो। मुझे मेजरली ये चाहिए कि सपोर्टिव हो, कि मेरे क्योंकि लाइफ में मुझे बहुत कुछ करना है, लाइक मेरी ड्रीम्स बहुत बड़ी हैं, तो आई वॉन्ट कि वो सपोर्ट करें, मुझे सिर्फ सपोर्ट करने की, ये नहीं है कि मुझे कोई पीछे से रोके कि नहीं नहीं तुम्हें आगे नहीं बढ़ना है करियर वाइज, कि मुझे वहाँ से पुश देने वाला हो, पीछे खींचने वाला ना हो। तो वैसा मुझे पार्टनर चाहिए, और दूसरा खाना बनाना आता हो। खाना बनाना भी उसे ही आता हो, ये ठीक है। तो अगर वो लाइफ पार्टनर भी ये चाहे कि मेरे साथ भी लाइफ पार्टनर ऐसा हो जो सपोर्ट मुझे दे, तो फिर वहाँ पर आप क्या डिसीजन करते हैं? नहीं, एक दूसरे को सपोर्ट तो करना ही है, क्योंकि तभी तो जिंदगी की गाड़ी साथ में आगे चलेगी ना, वरना आगे पीछे हो जाएंगे तो गाड़ी डिसबैलेंस हो जाएगी। तो सपोर्ट तो दोनों करेंगे एक दूसरे को, लेकिन हाँ वही है कि पीछे से करियर, क्योंकि मेरे लिए करियर भी इम्पोर्टेंट है, तो पुश करने वाला हो मुझे। मेरे ना एक चीज और दिक्कत है कि मैं बहुत उल्टे सीधे प्लान, कि जैसे कुछ करना है तो कई बार वो बेसिर पैर की बातें भी होती है, कि मुझे ऐसा कुछ प्लान कर रही हूं, तो उसमें यह है कि मुझे अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो मुझे वो समझा दें कि आपका ये जो प्लान है इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, या फिर ये सही है, अगर वो प्रॉब्लम्स को ठीक करा दे तो बेटर है। तो ऐसे सपोर्ट होना चाहिए, ये नहीं कि नहीं नहीं तुमने तो तुम ऐसे सोचो ही मत, या तुम क्यों ऐसे फालतू में सोचते रहते हो, कि माइंड मेरा चलता है तो उसमें सपोर्ट करें बस। हाँ, मतलब एकदम से अरे ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा वाला नहीं। तो गौतम, आप अपने लाइफ पार्टनर में क्या देखते हैं? बेसिकली जो बहुत कॉमन वर्ड्स यूज हो रहे हैं यहाँ पे और होते भी हैं, कि अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और सपोर्टिव होना चाहिए, दो क्वालिटीज, और बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि दोनों में एक ऐसी ट्यूनिंग होनी चाहिए कि दोनों एक दूसरे को समझ पाए। सबसे बेहतर चीज यही है कि एक जो मेन इशू है कि लोग ये कहते हैं कि अपने पार्टनर से सारी बातें खुल के आप कहो, और अगर आप नहीं कहोगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है? क्या अंडरस्टैंडिंग या भरोसा, या जिन भी हम इतने हैवी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, क्या उसके मायने सिर्फ इतने ही हैं कि आप सब कुछ आपको खुद बताना पड़े? क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए जा रहे हैं और आपने नहीं बताया, तो आपके दिल में ये डर ना हो कि यार आज तो खाना नहीं मिलेगा, यार जाके बहुत गालियां पड़ेंगी, सो ऐसा ना हो, या फिर वो अंडरस्टैंड करे ठीक है एक हफ्ते का बहुत टाइट शेड्यूल रहा है तो वीक ऑफ पे दोस्तों के साथ गए, सो इट्स ओके। सो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग दोनों में होना चाहिए। या लड़का भी हमेशा ये होता है कि अगर लड़की कहीं फ्रेंड्स के साथ चली जाए तो लड़के को बहुत यू नो डाउट होता है कि अच्छा बेटा गई है, सो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सो दोनों को
दोनों को आज़ादी देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि दोनों एक दूसरे से मेंटली आज़ाद हों, ना कि सिर्फ बातों में कि ठीक है वो मैंने उसे बहुत आज़ादी दी है, बल्कि स्पेस देने की बहुत ज़रूरत है कि ताकि वो बिना बंधिश फील किए आपका जो पार्टनर है आज़ादी से ज़िंदगी वैसी जी सके जैसी वो शादी से पहले जीता था। जिम्मेवारियाँ नो डाउट बढ़ेंगी, लेकिन एक आज़ादी बहुत ज़रूरी है कि इंसान को ये ना लगे कि एक बर्डन है, मुझे ये लगता है। एक एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी इससे पहले कि आप आगे बढ़ो, क्योंकि लाइफ का डिसीजन है तो छूटे ना। मुझे एक चीज और कि जो लड़का हो कि वो ना आगे बढ़ने की सोच उसकी हो कि ये है कि जो मेरा पार्टनर है, राइट, तो उसमें प्रॉब्लम है कि आपकी सोच होनी चाहिए कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, एक एम होना चाहिए। ये नहीं है कि जहाँ पे है जिंदगी चल रही है ना, चल रही है ना, बस ठीक है, आ रहा है ना पैसे जो जहाँ से, ठीक है, वैसा नहीं, स्टेग्नेशन नहीं हो, तो वो एक सोच, एक एम होना चाहिए बड़ा, बेशक बड़ा हो, लेकिन वो कोशिश फिर होती है ना वहाँ तक पहुँचने की, वहाँ तक नहीं तो आधे रास्ते तो पहुँचेंगे। जब आपने लाइफ पार्टनर की बात की तो मैंने एक चीज़ जो मेरे जहन में बार बार आई, तो उस लाइफ पार्टनर की एक्सपेक्टेशन में हमने अपने पेरेंट्स को कहीं पर भी सोच में शामिल नहीं किया अभी तक, जहाँ तक अभी हम अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चाव होता है शादी का, वो पेरेंट्स को ही होता है कि मेरे बच्चे की शादी हो रही है, मेरे बच्चे की शादी हो रही है ना। वो 10-12 साल हो, मतलब छोटा ही होता है ना, मतलब मामा भी आ रहा है, अरे तेरी शादी तो मैं कराऊंगा। मामा भी आ रहा है, उसके बाद वो मासी भी, रहने दे, तेरी शादी मैंने करानी है ना। मतलब वो शादी एक इतना बड़ा सब्जेक्ट बना होता है, और उस खाली सब्जेक्ट नहीं बना होता, वो साथ साथ एक सबके ख्वाब जुड़े होते हैं, ऐसे करेंगे, ऐसा होगा। तो उसमें उन सब चीज़ों को आप लोग कहाँ देखते हैं? मैं अपने व्यूअर से एक बात और कहना चाहती थी कि अगर आपके आसपास भी और कोई भी, और मेरा ये मानना है कि शादी के लिए ज़रूरी नहीं है कि एक परफेक्ट सी एज ही चाहिए, अगर कोई भी लाइफ पार्टनर अपना ढूंढ रहा है तो वो हमारे साथ इस शो पर ज़रूर जुड़ सकता है। किस तरह का लाइफ पार्टनर वो ढूंढ रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है उनकी, एक्सपेक्टेशन के साथ साथ वो और क्या अपने लाइफ पार्टनर के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, वो भी ज़रूर हमें बताइए। आप कोई भी जो भी सोचता है कि हमें ज़िंदगी के इस पड़ाव पर आकर के हम सफ़र की ज़रूरत है, तो वो हमारे इस शो में ज़रूर जुड़े। और इस टॉपिक के साथ एवरी वीक डिफरेंट लोगों के थॉट प्रोसेस के साथ मैं ज़रूर रहूँगी यहाँ पर। अगर हमारे व्यूअर्स में से भी कोई स्काइप पर हमारे साथ जुड़ना चाहे, जो अपने लाइफ पार्टनर के बारे में कुछ कहना चाहे कि कैसा होना चाहिए, जो ढूंढ रहा हो अपना लाइफ पार्टनर, वो भी जुड़ सकते हैं। और आपके पास इन्फॉर्मेशन आई रही है simmer@justbroadcasting.com और info@justbroadcasting.com पर, आप इस बात को हमें मेल डाल सकते हैं, हम खुद से आपको कनेक्ट कर लेंगे। अगर इस बार में होगा तो डेफिनेटली इस बार में, लेकिन ये हमारा टॉपिक जो है शादी वाला, शादी के लड्डू वाला, और जो लोग शादी के एज के हैं और जो लोग अभी एज है नहीं है, लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, एग्जैक्टली लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, किसी भी एज के हो, तो वो हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। और मैं हमेशा से कहती हूँ कि आप हमारे शो के साथ जुड़ सकते हैं। एक छोटा सा एक वीडियो भी है कि हमारे साथ आप कैसे जुड़ सकते हैं, तो उसका क्या जरिया है, उसका क्या तरीका है, तो वो हम वीडियो देख सकते हैं। जिंदगी फुल ऑन, ये शो आपका है। अगर आप इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बस हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। हाँ, ये जरूर लिखें कि आप इस शो के किस हिस्से में हिस्सा डालना चाहते हैं। फैमिली, कपल, सिंगल और सर्चिंग फॉर अ लाइफ पार्टनर, फ्रेंड, डॉटर मदर, डॉटर सन, फादर डॉटर और फादर सन, अचीवर और एंटरटेनर, आर्टिस्ट, एक्टिविस्ट, ड्रीमर और स्ट्रगलर, और या फिर बस यू ही। हाँ, याद रहे, व्हाट्सएप के साथ साथ अपनी छोटी सी डिटेल जरूर लिखिएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को, सपोज आपने अपने बारे में किसी को कुछ बताना है तो वक्त हमारी टीम काउंट करती रहेगी, दो मिनट, ठीक है, 2 मिनट में। हाँ, कोई कह रहा है अरे 2 मिनट तक क्या बोल रहा है, exactly. और कोई कह रहा है हाँ सिर्फ 2 मिनट। हाँ, तो
हम आपको दो दो मिनट अपने आप को, सपोज मान लीजिए कि आप किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं और किसी ने कहा कि मैरिज की बात है, तो आपने अपने आप को दो मिनट में इंट्रोड्यूस करना है, तो कैसे इंट्रोड्यूस करें? उधर से शुरुआत करें, यहाँ पे पास ऑन गेम नहीं है, उधर से शुरुआत करें। तो फिर कैसे शुरुआत करें? अकड़ बकड़ बंबे को अस्सी नब्बे पूरे सौ सौ। सत श्री अकाल, मेरा नाम मालविका सिंह है, मैं बी ए एम ए और बी एड की है, हूँ मैं मेकअप कोर्स कर रही हूँ, तो मैनू कुकिंग भी आती है, मैनू घर का सारा काम आता है, तो सब कुछ आता है। दो मिनट कहाँ हुए अभी, टीम बताएगी ना दो मिनट होंगे तो बस। अरे एक्सपीरियंस नहीं है ना। ये तो क्या बात हुई, मतलब बताना तो पड़ेगा ना कि आप दो मिनट बस, आप अपने आप को ऐसे ही इंट्रोड्यूस करेंगे किसी को, अपने लाइफ पार्टनर को जिसको आप चूज करने जा रहे हैं? मैंने सरदार मुंडा चाहिए एक्चुअली। अभी धीरे धीरे आ रहा है, आपके दो मिनट में। मैं सरदार मुंडा चाहती हाँ कि मेरे लाइफ पार्टनर सरदार मुंडा होए, अंडरस्टैंडिंग होए, लॉयल होए, ते बहुत केयर करने वाला होए, ते प्यार करने वाला होए। बस ये जो अंडरस्टैंडिंग हम कहते हैं ना, अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली उतना वर्ड नहीं है, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग के अंडर इतनी सारी लेयर्स हैं जो समझ नहीं आती हैं। खैर गुड, आप समझ ही गए होंगे कि थोड़ा कम बोलने वाली। तो फिर गौतम, आपके लिए दो मिनट काफी हैं या बढ़ाऊं? बेसिकली आप समाज के बारे में जितना मर्जी बोल सकते हैं, लेकिन जब बारी आती है अपने बारे में बात करने की, तब शायद ज्यादातर लोगों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है कि अपने बारे में क्या क्या बोलें आखिर, क्योंकि कभी अपने बारे में इतना सोचा ही नहीं। ओके दो मिनट, ओके राइट राइट। हाय, चलो एक सपोज कर लेते हैं कि मान लीजिए कि मेरे सामने कोई लड़की बैठी है जिनसे मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूं। मैंने कहा आपके सामने लड़की है और दो मिनट अब आपके शुरू। अच्छा, मैं सोच रहा था कि ऐसे ही शायद थोड़ा सा टाइम निकल जाए। मैं जानती थी ये बात। अब शुरू होते हैं। हाय, मेरा नाम गौतम ठाकुर है और मैं बहुत समझदार तो नहीं कहूंगा अपने आप को, लेकिन हाँ सुलझा हुआ इंसान जरूर हूँ और सामने वाले को हमेशा समझने की कोशिश करता हूँ। तो आई एम श्योर कि आपको जिंदगी में अगर हमारा कुछ कनेक्शन होता है, हमारे एक पॉजिटिविटी जो है एक दूसरे के साथ हम शेयर करते हैं, तो आई एम श्योर कि मैं पूरी शिद्दत से तुम्हें समझने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये मेरा स्टार्टिंग से नेचर रहा है और लॉयलिटी हर इंसान के साथ मेरी रही है। और आई एम श्योर कि ऐसा कोई मौका मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा कि मुझे तुम्हें मुझ पर जो है कुछ भी शक करने की जरूरत पड़े। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। तो दो क्वालिटीज़ आई थिंक जो लड़कियां किसी में भी ढूंढती हैं वो शायद इन बिल्ड हैं और वही शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है कि आपका पार्टनर ज़िंदगी में जो है आपके साथ लॉयल रहे। और जो एक वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि एक तो रिलायबल हो और दूसरा अंडरस्टैंडिंग हो, जैसा कि सिमर ने कहा है कि लेयर्स बहुत होती हैं। एग्जैक्टली, सो मेरे अंदर भी बहुत सारी लेयर्स होंगी शायद इस वर्ड को लेकर, और इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि उन लेयर्स को समझने में तुम्हें ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी और ज़्यादा परेशानी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है आई एम लाइक अ ओपन बुक। सो जिन्हें मैं चाहता हूँ, जो जिन लोगों को मैं चाहता हूँ कि वो मुझे पढ़ सकें, वो बिना किसी रोक टोक के मुझे पढ़ सकते हैं। I think 2 मिनट हो गए हैं। Good, I like it. Thank you. थोड़ा आपके लिए easy, हाँ. Actually वो दिल से निकला है. वो ऐसा नहीं था कि सामने news के लिए TP चल रहा है और आप. Actually वो दिल से निकला है. तो फिर अब अवंतिका. जी. अपने बारे में बोलना शुरू करती हूँ तो time शुरू हो गया? Your time starts now.
नमस्ते, मेरा नाम अवंतिका है और मैंने ग्रेजुएशन की है इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, और अभी मैं जस्ट हिंदी चैनल पे एज अ न्यूज़ एंकर वर्क कर रही हूँ। और अपने बारे में अगर मैं अपनी नेचर के बारे में बताऊँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा फन लविंग हूँ। मेरा मानना है कि ज़िंदगी एक है और ज़िंदगी को फुल ऑन जीना चाहिए, जैसे हमारा ये शो भी है, तो उसी में मैं भी बिलीव करती हूँ। एक ही लाइफ है, खुल के जीनी है। और दूसरा कि मुझे बहुत ज़्यादा मस्ती करनी पसंद है, मुझे ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे अगर मौका मिले कि आप जाओ फ्री हो तो मैं शायद ट्रैवल करने कहीं भी निकल सकती हूँ और अकेले भी निकल सकती हूँ, तो मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। कुकिंग का मैं कहूँगी कि मुझे उतना शौक नहीं है घर का काम करने का, लेकिन हाँ खाना खाने लायक मेरे को बनाना आता है। जंक फूड का मुझे थोड़ा सा चस्का आजकल लगा है, वो करोना के टाइम पर भी सीखा है, अदरवाइज मुझे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक नहीं है। लेकिन बाकी मुझे जो है सपने देखना बहुत पसंद है, खुली आंखों से मैं सपने देखती हूँ कि बड़े सपने, सपने मतलब ज़िंदगी को लेके कि मुझे अपनी ज़िंदगी को कैसे फ्रेम करना है, तो वो सपने मैं देखती हूँ। और मुझे लगता है वो ज़रूरी भी है कि अगर आप आपका ड्रीम नहीं होगा, आपका कोई एम नहीं होगा, तो आप उसके लिए काम भी नहीं करोगे, तो वो मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ और सोचती हूँ। और मैं प्रैक्टिकल बहुत हूँ लाइफ में, लाइफ के डिसीजंस को लेके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हूँ, तो टाइम नहीं हुआ नहीं, अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो मैं टाइम बढ़ा भी देती हूँ। अच्छा तो ये मेरा नेचर है कि मैं मुझे मस्ती करना, हंसी मजाक करना, ज़िंदगी जीना, कि ऐसे बंद के आप सोचो कि एकदम ऐसे स्ट्रिक्टली रहूं मैं, तो वैसा नेचर नहीं है मुझे। मुझे तो ज़िंदगी बहुत बोरिंग हो जाएगी। लाइफ के डिसीजंस को लेके मैच्योरिटी ज़रूरी है, लेकिन आप लाइफ में सीरियसनेस ले आओगे तो वो सीरियस ही हो जाएगी लाइफ, तो वो नहीं है। मतलब ह्यूमर होना बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर, तभी तो ज़िंदगी जीने का मज़ा है। हाँ डेफिनेटली। और इस ये जो अभी आपने कही बातें, राजेंद्र धीमान, पंजाबी कहूंगे हिंदी कहूंगे, जी पंजाबी, बहुत सोने लग रहे हो तुसी। थैंक यू मैम। मैं अपने व्यूअर्स में कह रही हूँ राजेंद्र धीमान आपका वक्त शुरू होता है। मेरा नाम राजेंद्र धीमान कम ऑन, आप तो कल से तैयारी कर रहे थे मेरे कहने का मतलब कि मैं अपने वास्ते एक सिंपल लड़की चाहना जो कि घरेलू भी होए तो थोड़ा उन्होंने बाहर का भी ज़्यादा पता हो, है ना, कि मैनू एक ज़्यादा नहीं कि मैं हाई फाई चाहिए है, क्योंकि मैं थोड़ा जहाँ अपने पेरेंट्स की जो भी गल्ला है ना, क्योंकि वो पुराने बजुर्ग जो भी कहते हैं थोड़ा उन्होंने नाल लेके जरूर चलदा, क्योंकि जरूरी अज असी चार क्लासा पढ़ जरूर ले पर जरूरी नहीं है कि असी किताबों वाली गल्ला उन्होंने इंप्लीमेंट करिए, पर जो गल्ला उन्होंने होंदिया है बोलो गुड। मैं शुरू तो नाल लेके चलता, तो इस करके कोई मैं जी कुड़ी लभदा कि जो मेरे पेरेंट्स ने अहमियत दे, मेरे परिवार को संभाले, तो मेरे नाल कदम ना कदम लगे चले। वाओ गुड। नहीं तो थोड़े से आप शाय नेचर के जी है? और मैं एक नेगेटिव पॉइंट डिसीजन मेकर बिल्कुल नहीं, तो मैंने थोड़ी सियानी कुड़ी चाहिए है कि जो मतलब सारे डिसीजन उसके हाथ में, हां अच्छा किया वो तुम्हारा, बुरा किया वो तुम्हारा, गलत सब तुम्हारा। हां थोड़ा मैं डिसीजन से मेरा साथ दे सके ना। हां पेरेंट्स की राय, और कहते हैं कि आप उस चीज में कितना इत्तेफाक रखते हैं कि पेरेंट्स जो चॉइस आपके लिए रखेंगे उससे आप रूबरू होना चाहेंगे या फिर आप उनसे कहेंगे कि चूज हम करेंगे। और मुझे लगता है वैसे तो क्योंकि पेरेंट्स का की तरफ से अप्रूव होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इनिशियली क्योंकि एट द एंड की अंडरस्टैंडिंग हमारी भी ज़रूरी है, तो अगर पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग मैच हो रही है वो हम चेक कर लें, और उसके बाद में पेरेंट अप्रूवल जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है उतना ही। तो पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग मैच हो रही है या नहीं, और उसके बाद में पेरेंट्स का अप्रूवल, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है। मैम आजकल चाहे आप मान लो पुराने वाले पेरेंट्स ले लिया ना, चलो एक तो नई जनरेशन वाले हो गए ना, जिदा चलो हूँ साढ़े वाले हो गए, वो पुराने सोच वाले हैं, पर वो अज के सोच में देख देख के थोड़ा बदल गए, वो भी हूँ एक पहले होंगे से कि अड़ जाते नहीं साड़ी मर्जी नाल करना तू उत्थे तो जा नहीं सकता, अपनी मर्जी नाल कुड़ी किदां लभ ली, पर हूँ नहीं हूँ बिल्कुल नहीं, हूँ मैं
मेरे पेरेंट्स मैंने थोड़ा है पुराने पिंड तो ना तो आप कहते होंगे कि कोई है पसंद सानू मिला हाँ असी देख लेंगे हाँ असी देख लांगे पर वही है कि उन्होंने एक्सपीरियंस ज्यादा बिल्कुल देखेंगे वो पहले कि क्या सही है क्या गलत है उस तो बाद फिर साढ़े वास्ते करें गौतम फटाफट मैम आपने कहा था कि इम्पोर्टेंस को लेकर एग्जैक्टली क्या इम्पोर्टेंस है तो दोनों ही केसेस में बहुत इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स चाहे आप उनकी मर्जी से करें चाहे आप लव मैरिज करें दोनों ही केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन मैं इसके फायदे जरूर आपको बता सकता हूँ कि दोनों ही केसेस में आपका क्या फायदा हो सकता है जो मुझे अभी तक ऐसा लगता है फर्स्ट कि अगर आप लव मैरिज करते हैं तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां सारी आपकी होती हैं जो भी आगे आप फैसले लोगे वो सब आप पे है और पेरेंट्स अगर वो चाहें तो ये बोल सकते हैं बेटा तेरा फैसला था तू देख तू संभाल हम नहीं बीच में आते लेकिन दूसरा ये कि अगर आप अरेंज मैरिज करवाते हैं उसके दो फायदे मुझे लगते हैं एक ये होता है कि आपको अपने अपने पार्टनर को जानने का पूरा मौका मिलता है पूरी आपके पास वक्त बहुत होता है उन्हें जानने के लिए दूसरा अगर कुछ परेशानी होती है तो आप सीधा इल्जाम डाल सकते हैं कि भाई आपकी पसंद है आपने कराई है अब आप बताओ इसका सलूशन क्या है तो मुझे ये लगता है मेरे को लगता है कि पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंस मेरे लिए बहुत ज़रूरी है अगर मैं आज भी मेरे पेरेंट्स जिवें देख रहे हैं तो मैनू है मम्मी जो सिलेक्ट करता मेरे लिए वही है मेरे ब्रदर ने मेरे डैड ने जो सिलेक्ट किया मैंने कोई नहीं है मैंने सिर्फ इक्को ही है कि मम्मा सरदार होना चाहिए पगड़ी सोनी बनता होना चाहिए बाकी मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी है तो मेरे लिए मम्मी क्योंकि उन्होंने सानू कभी किसी चीज़ लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं किया उन्होंने मैंने अज भी हूँ भी पूछते हैं कोई है तो दस दे मैं क्या नहीं ये थोड़ी है क्योंकि तुम बहुत टाइम शुरू तो जब दे पैदा होंगे सोचते हो कि कुड़ी का विआह करना है ये करना वो करना है तो जे ये हक एक थोड़ा होंगे जो तुम साढ़े लिए लाइफ पार्टनर चूज करते हो तो मैं अगर वो छिन लिया तो फिर की फायदा इस करके वो जो चुनने उन्होंने सही चुनना और वैसे भी जो पेरेंट्स खुश हैं तो बच्चे खुश हैं मेरे लिए ये चीज़ है तो आजकल एक बहुत इन जो कंसेप्ट है लिव इन रिलेशनशिप का उसके बारे में फटाफट से आप मैं जानना चाहती हूँ कि आपके लिव इन आई थिंक जो लोग इस कल्चर को प्रेफर करते हैं शायद उनके यही मानने कि आप शादी के बाद क्योंकि आप अगर किसी भी पर्सन से आप मिल रहे हैं कई बार ये होता है कि हम पहली मीटिंग में नहीं जान सकते किसी भी पर्सन को लेकिन आप अगर साथ में रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं एक दूसरे के साथ तालमेल मिल रहा है या नहीं मेन चीज़ वो आप समझ सकते हैं लेकिन जो लिव इन में रह रहे हैं उनका मेन मोटिव यही है कि बाद में इशूज़ ना हो लॉन्ग टर्म में लाइफ में इसीलिए आपसी अंडरस्टैंडिंग जो है वो पता कर चल सकती है कि शायद आगे मैच खाएगा या नहीं लेकिन मैं पर्सनली उस चीज को मेरा अपना नहीं है मानना कुछ हद तक मैं एग्री करता हूं क्योंकि हमेशा जब भी हम किसी से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं दिखावा जरूर हो जाता है हम बहुत कोशिश करते हैं कि नेचुरल रहें लेकिन एक दिखावा जरूर आ जाता है सामने अब जब आप किसी के साथ वक्त बिताते हैं एक लंबे वक्त का रियल रूप आप जानते हैं तो रियलिटी की एग्जैक्टली उसका नेचर क्या है वो इस कंडीशन में किस तरीके से बिहेव करता है या वो ज्यादा खुश होता है तो वो क्या करता है या नाराज होता है तो क्या करता है केयरिंग है कहीं वो बहुत ज्यादा केयरिंग तो नहीं है जो आपको हजम ही ना हो बहुत सी ऐसी चीजें खत्म हो रही है तो लिव इन का ये फायदा है कि आप उस इंसान को परफेक्टली जान सकते हो कि भाई आने वाले वक्त में आप पूरी जिंदगी उसके साथ बिता सकते हो कि नहीं So, मुझे ये सबसे बेस्ट चीज लगती है राजेंद्र तो हाँ बताएं नहीं मैं तो लिविंग नॉट बिल्कुल एग्री नहीं एक बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन जब हम कोई भी मैरिज को लेकर के फाइनल करते हैं काफी जगह ऐसा होता है कि एस्ट्रोलॉजी को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है तो आपके अकॉर्डिंग एस्ट्रोलॉजी को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए आई थिंक सबके अपने अपने बिलीफ होते हैं इसमें बट हमारे घर में उतना ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते हैं लेकिन किसी के घर में मानते हैं किसी के नहीं मानते हैं इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती क्योंकि हमारे यहाँ उतना मैच मेकिंग का मतलब वो शादी से पहले का क्राइटेरिया नहीं है उतना मेजर गौतम नहीं मैम एस्ट्रोलॉजी में इतना बिलीव नहीं करते हाँ नहीं मेरे नाल तो मैम इंसिडेंट हो चुके हैं इंसिडेंट दो हो चुका है चलो मैं एक दस दिना वैसे ना कि एक तो मेरे घर के एस्ट्रोलॉजी ने मानते हैं तो एक लड़की वैसे मैं पसंद सी तो वो घर के मेरे घर ज़्यादा उन्होंने वो ज़्यादा मानते उन्होंने तो जी उन्होंने कुंडली वगैरह दिखाई उन्होंने पंडित ने मेरे वह बटवी की वह कहते जी आ तो मुंडा ठीक नहीं है जी आ तो पता नहीं कह जी गल बोलिया उन्होंने जो मैंने रिकॉर्डिंग सुनाई मैंने अपने आप तो नफरत होने लग गई कि मैं मेरे तरफ तो हर तक कोशिश चल रही है कि मैं उन्हें कर देना मनावा कि करो दूर करो
पर हजे कोशिश जारी है. मतलब वो डेट एस्ट्रोलॉजर वाजंट गुड और मतलब जैसे आप हो नहीं, उन्होंने आपके बारे में वैसे कहा. बहुत ज्यादा है, कोई थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत सही किया हमदा नहीं तो मैं मतलब दिल पे लगा. बिल्कुल जी. हां तो मनु वैसे तो मिला नहीं है दोबारा हो जे मिलता. मिला नहीं, मिला नहीं दोबारा. चलिए मैं ये तो मतलब एक सभी के लिए एक वो भी है कि अगर हम मैच मेकिंग वाला एस्ट्रोलॉजी वाला पॉइंट भी रखते हैं तो उसको रीचेक 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 जरूर करना चाहिए. तो फिर बारी बारी इशारे हो रहे थे कि समझ जी हम तुम कहो कि प्रोग्राम का टाइम हो रहा है तो थोड़े सारे वालों इन्हों देखो कि सारिया सजेशनस मिली तो आप इन्हों बेस्ट ऑफ लक फॉर द लाइफ कहने ऑल द बेस्ट कहने. थैंक यू सो मच. शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू.